श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा सायंकाल के समय दिनांक 3 मई 1941 को दिया गया। प्रवचन संख्या 25, पैठ संख्या 122, विषय वैराग्य विषयक साधना। प्रश्न श्री स्वामी जी द्वारा। सत्संग सुनते हैं तो कभी कभी जोर से साधन करने की ठान प्रबल इच्छा होती है, पर वह बनी नहीं रहती। वह बनी कैसे रहे? उत्तर, उस सुनी हुई बात की बार बार आवृत्ति करें। आवृत्ति नहीं हो तो अपने में दोष दर्शन और जन्म मरण के दुख रूपी फल का विचार करें। स्वार्थ आसक्ति और अहंकार ये अपने में बड़े भारी दोष हैं, रोग हैं, यह घातक है, साक्षात मृत्यु के तुल्य है। इस प्रकार के दोष दर्शन से वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान भक्ति सब में वैराग्य बढ़कर है। सो अनर्थों का मूल अहंकार और आसक्ति है। सारे अनर्थ इसी से पैदा होते हैं। वैराग्य और उपरति बड़ी अच्छी चीज है। मैं तो रात दिन उसमें रहना ठीक समझता हूँ। मेरा तो प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए व्यवहार करना पड़ता है। वैराग्य तो व्यवहार में रह सकता है, उपरामता में सभ्यता नहीं रहती। सभ्यता का व्यवहार का ख्याल ही नहीं होता। बाहर भीतर की सारी वृत्तियों को उठा देवे है तो उसमें बड़ा मजा। गाढ़ ध्यान लगाना हो तो पूरा वैराग्य होने पर भी उपरामता की जरूरत है। हट से भी होता है, और सन्यास आश्रम में तो उपराम होकर ही विचरें। स्वाभाविक उपरति हो वही दामी है। बाहर के विषयों की तो बात ही क्या है। खास गीता के श्लोकों में भी घूमना नहीं हो, श्लोकों के फल में ही स्थित होवे। सारे श्लोकों का फल है परमात्मा का स्वरूप। अतः श्लोकों के अर्थ की जरूरत नहीं रहे। उपरति की तो वास्तव में नकल ही अच्छी, पर वह होनी चाहिए शुद्ध नियत से। असली नहीं तो नकली ही अच्छी। नियत शुद्ध हो तब तो फायदे की चीज है, नहीं तो दंभ हो जाता है। असली में तो दंभ हो ही नहीं सकता। हाँ, लोग तो दंभ दर्प और अभिमान की कल्पना कर सकते हैं, पर लोगों की कल्पना का मूल्य नहीं है। ऐसा करते रहें कल्याण ही है। ध्यान अवस्था की उपरति। गीता की
छठे अध्याय के 25वें श्लोक में आया, शनै शनै रूपमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तेत। अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। गीता के दूसरे अध्याय के 58 श्लोक में आया है, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। गीता के 6 अध्याय के 20वें श्लोक में आया, यत्रो परम मते चितम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। पदार्थ मात्र उसकी दृष्टि में है ही नहीं, यह परम उपरति है। वैराग्य यानी आसक्ति का अभाव, उपरति यानी विषयों की और वृत्ति का न जाना। उपरति का उत्तम दर्जा विवेक वैराग्य पूर्वक उपरति होनी, आसक्ति के रहते हट से कर ले तो वह उतनी दामी नहीं। गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है, ब्रह्म स्पर्शेव सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। अर्थात बाहर के विषयों में अर्थात संसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। सात्विक सुख वैराग्य में ही है, राग में नहीं है। विषयों का हट से त्यागना एक चीज है, मन और इंद्रियों को वश में होना एक चीज है, आसक्ति रहित होना एक चीज है। इन तीनों में आसक्ति रहित होना ठीक यानी बढ़कर है। वीतराग विषयम वाचितम, अर्थात वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अर्थात उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है।
विवेक वैराग्य पूर्वक उपरति से बढ़कर विवेक वैराग्य पूर्वक ध्यान कीमती है। मन इंद्रियों का संयम भी वैराग्य सहित है तो दामी है, राग सहित है तो दामी नहीं। त्याग करना और त्याग होना दोनों में फर्क है। काम का त्याग करना उत्तम बात नहीं, आपसे आप उपरति से त्याग हो जाए यह उत्तम है। भोग की अपेक्षा त्याग करना भी उत्तम है। एक तरफ त्रिलोकों का ऐश्वर्य और एक तरफ विवेक पूर्वक वैराग्य। उस वैराग्य में जो सुख शांति है वह त्रिलोकी के ऐश्वर्य में नहीं है, वहां ऐश्वर्य विघ्न है। बहुत ऊंचे दर्जे की उपरति। गीता के 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में आया, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। अर्थात जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। भक्ति के साधक की उपरति भिन्न भिन्न प्रकार की है। ज्ञान के साधक की उपरति एक ही प्रकार की है। सीतामहू के महाराजा साहब द्वारा प्रश्न, इसका खुलासा कीजिए। सेठ जी द्वारा उत्तर, ज्ञान की उपरति संसार के अभाव को लेकर है। भक्ति के मार्ग में संसार की सत्ता का अभाव नहीं है। भक्ति में अपने ऐश आराम में तो उपरति है पर दूसरों के दुख में उसकी उपरति नहीं है। सिद्ध अवस्था में उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं रहे तो वह उन्मत्तता हो जाती है। जो कुछ है सो परमात्मा ही है, यह भी भक्त की दृष्टि है। जो कुछ है सो परमात्मा के भक्त हैं, यह भी भक्त की दृष्टि है। और भक्त दुख में पड़े हुए को दुख से छुड़ाकर सुख में लगाता है। जैसे भगवान का हृदय है वैसा भक्तों का हृदय है कि अपने दुख के लिए बड़े कठोर पर दूसरों के दुख के लिए दुखी हो जाते हैं। अपने स्वार्थ का अभाव होकर भी उसके ख्याल में संसार है और उससे संबंध भी है, पर ज्ञानी की दृष्टि में तो संसार है ही नहीं। भक्ति और ज्ञान दोनों ही में वासुदेव सर्वमिति की साधना हो सकती है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 3रे दोहे में आया, सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत मैं सेवक सराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात हे हनुमान
अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। यह बात भक्त में है, जो है सो भगवान ही है, पर परिवर्तन हो रहा है, भगवान की लीला है। यह भक्त की दृष्टि है, रूप का बदलना लीला है। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में आया, दैवी ह्योष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव्य प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुरुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसमें सत्ता है कि तिरने में बहुत दुरुस्तर है, जिससे जीव मोहित हो रहे हैं वह मेरी माया दुरुत्य है, पर जो मेरी शरण में आ जाता है वह तर जाता है। जिस माया से जीव मोहित हो रहे हैं वह नीचे दर्जे की माया है, योग माया ऊंचे दर्जे की है। दोनों में फर्क यह है कि भगवान योग माया से सृष्टि करते हैं और स्वयं प्रकट होते हैं। योग माया विद्या रूप है और जीव मोहित हो रहे हैं, जिससे वह अविद्या रूप माया है। गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में आया, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितौ जगत। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। यह लीला है, भगवान की दृष्टि से भगवान में विद्या अविद्या नहीं है। समझाने के लिए कहा जाता है, भगवान छिपते हैं तो भी फायदा है और प्रकट होते हैं तो भी फायदा है। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण ஆனந்தீயானும் ஆனந்தீயானும் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.